फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो टेबल फैन होता है हाई स्पीड वाला, जो फर्राटा फैन भी हम उसको बोलते हैं, लेकिन आजकल जो आ रहे हैं हाई स्पीड में आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे, बिल्कुल जो कम आवाज करते हैं, उसकी ये मोटर है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है। तो हम इसकी आवाज कैसे सही करेंगे बिना 1 रुपया खर्च किए? तो आपको करना कुछ नहीं है, छोटा सा वीडियो है 2 से 3 मिनट का, ये पूरा देख लेना है। उसके बाद काफी अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी, और इमरजेंसी में अगर आपके साथ कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है तो आप उसको सही कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। करना कुछ नहीं है, वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पाए, आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देखें, मैं इसको पहले आपको चलाकर दिखाऊंगा, और आप इसकी पहले एक बार आवाज़ सुन लें, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे। तो मैंने इसके वायर लगा दिए हैं, तो फ्रेंड्स आपने देखा इसकी आवाज़ कितनी ज़ोर से हो रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको खोलना भी नहीं है आपको, सिर्फ ये स्टेप फॉलो करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमें क्या करना है, हल्का मतलब ऑयल लेना है ढक्कन में थोड़ा सा, और साफ़ वाला ऑयल लेना है, बढ़िया वाला जिसको हम बाइक के इंजन में यूज करते हैं, साफ़ ऑयल लें। और बेहतर तो यह है कि आप इसको खोल लें, और खोलने के बाद अगर इसके शाफ्ट को आप साफ़ करके अच्छे से डालते हैं ऑयल वगैरह, तो ये और अच्छा चलेगा। लेकिन आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं आगे पीछे से इसमें अच्छे से ऑयल डाल दें और इसको थोड़ा सा घुमा दें और साफ़ कर दें कपड़े से पहले जो गंदगी लगी हुई है उसको, और साफ़ करने के बाद ऑयल डाल दें और इसको थोड़ा सा घुमाएं, फिर एक दो बार और डाल दें ऑयल, और इसकी शाफ्ट को ऊपर नीचे करें, जो ऑयल है इसके अंदर बुश तक पहुँच जाएगा, उसके बाद इसकी जो आवाज़ है वो बंद हो जाएगी। ये आवाज़ जब आती है जब बुश जो सूख जाता है उसमें ऑयल नहीं बचता है। तो अब हम यहाँ पर ऑयल डाला है, और मैं अभी आपको चलाकर भी दिखाऊंगा इसको। तो यहाँ पर ये आराम से फ्री घूम रहा है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आई है। हमने आगे भी डाल दिया है और पीछे भी इसमें अच्छे से हमने ऑयल डाल दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर पीछे बंद वाला ढक्कन होता है तो उसमें आपको ये खोलना ही पड़ेगा, बाहर से ऑयल उसमें नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर ये खुला हुआ, तो हम आगे पीछे से इसमें ऑयल डाल देंगे, और उसके बाद आप देखें, मैं आपको दिखाऊंगा इसको चलाकर, इसकी आवाज़ आप सुने। आप मैं अभी इसके वायर लगाऊंगा और इसकी अब आवाज़ सुने आप। इसको सीरीज में भी चलाएंगे और डायरेक्ट भी चलाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसके वायर लगाऊंगा तार सीरीज के, और फिर इसको आपको चलाकर दिखाऊंगा। तो आप यहाँ देखें, ये चल रहा है, कोई बिल्कुल साइलेंट है, कोई आवाज़ नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी शाफ्ट पर ध्यान दें, खूब अच्छे से चल रहा है, कोई भी किसी भी तरह की आवाज़ इसके अंदर नहीं है। आप चाहे गौर से सुन सकते हैं। तो इतना सा आपको करना है, इसमें हल्का सा ऑयल डालना है, कोई आवाज़ नहीं करेगा। डायरेक्ट भी मैं आपको चला कर दिखा रहा हूँ, सीरीज में मैंने आपको चला कर दिखा दिया है, बिल्कुल ओके हो चुका है। इस तरीके से आप भी अपने टेबल फैन जो होता है हाई स्पीड वाला, उसमें ऑयल डालकर उसको सही कर सकते हैं, या फिर उसमें अगर ज़्यादा वो शर्ट ख़राब है तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, मैंने आपको इसको सही करके बताया फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र इसमें हल्का सा ऑयल लगा है, इसके अलावा कुछ नहीं लगा है। कई बार ऐसा होता है कि ये काफ़ी टाइम चलता है तो गर्म हो जाते हैं इसके बुश वगैरह, तो जिससे क्या है कि ये जाम हो जाता है। जब हम इसमें ऑयल डालते हैं तो ऑयल डालने के बाद ये फ्री हो जाता है, और फिर आसानी से ये चल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर इसका ज़्यादा बुशाफ्ट कटे हुए हैं तो आप इसके बुशाफ्ट चेंज करें, और इमरजेंसी में ऑयल डाल के चला सकते हैं, लेकिन वो साफ कटे हुए हैं तो आपको बदलने ही होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।